This video is sponsored by RO Empire Private Limited. Miss India Fitness 2022 सीजन 2 का आयोजन तारीख 4 सितंबर 2022 को शाम 7:30 बजे नागपुर के होटल तुले इंपीरियल में किया जा रहा है, जहां पूरे देश भर से 25 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एसोसिएशन नेटवर्क द्वारा पीबीएस फिटनेस स्टूडियो नारी अखाड़ा में आयोजित पत्रकार परिषद में आज प्रमुख आयोजक किरण कोटवानी, ब्रांड एम्बेसिडर सोनाली स्वामी जी और जूरी मेंबर वृंदा शर्मा ने फिटनेस इवेंट के बारे में जानकारी दी और साथ ही क्राउन का अनावरण किया। मेरा नाम वृंदा शर्मा है, मैं यहाँ पे जूरी की तरह हूँ और मैं योगा एक्सपर्ट हूँ। यहाँ पे इसमें एक एस्पेक्ट रखा गया है जो योगा से रिलेटेड है। योगा इसलिए क्योंकि फिटनेस का जब नाम आता है और जब हम वेट लिफ्ट करते हैं या डेड लिफ्ट करते हैं तो उसमें मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी मोबिलिटी के लिए योगा प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए इसमें योगा का प्रोत्साहन अच्छे से किया गया है एंड कॉम्बिनेशन में इट विल हेल्प टू ग्रो देम वेल। थैंक यू। मिस इंडिया फिटनेस 2022 में करीब 30-35 लेडीज़ ने पूरे ऑल ओवर इंडिया से आई हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर अल्टीमेटली 27 लेडीज़ इस बार आज उसमें पहुँची हैं। हमारे 4 राउंड्स थे। कल हमारा जो राउंड था वो बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर आधारित था। डेडलिफ्टिंग थी, बेंच प्रेस थी, हमारे प्लैंक था और रनिंग था। तो किसने सोचा था कि एक 51 साल की महिला भी डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस कर रही होगी या फिर प्लैंक जैसी चीज़ें कर रही होगी या फिर पुशअप्स कर रही होगी, जो कि आज था, और फ्लेक्सिबिलिटी राउंड भी आज था। तो तकरीबन 5 राउंड हमारे हुए हैं। तो ये फिटनेस जो है ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं है और ये फिटनेस सिर्फ ब्यूटी पेजेंट नहीं है, ये इससे बढ़कर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग है कि नहीं है। तो ये बहुत ही ख़ास बात है और बहुत बड़ी बात है कि नागपुर जैसा शहर में हर बड़ी बड़ी सिटीज़ से लड़कियाँ आ रही हैं और हर छोटी छोटी सिटीज़ से भी महिलाओं ने कदम रखा है। एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि महिलाओं के लिए है, महिलाओं द्वारा है। तो बहुत बड़ी बात है, फॉर वुमेन बाय वुमेन। एक वुमेन एम्पावरिंग की बात हम लोग करते रहे हैं लेकिन आज हम ये करके दिखा रहे हैं। ये दूसरा साल है, सीज़न 2 है और भगवान ने चाहा तो सीज़न 3 इससे भी बड़ा और बेहतर और बहुत ही ग्रैंड लेवल पर होगा। मेरी बहुत खुशकिस्मती है और बहुत प्रिविलेज फील करती हूँ कि मैं एक इस बड़े से प्लेटफॉर्म का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ। मैंने अपनी फिटनेस की जर्नी 37 की एज में शुरू की थी, जहाँ पर महिलाएं सोचती थी कि बॉडी बिल्डिंग जैसे नॉन ट्रेडिशनल स्पोर्ट में शायद महिलाएं नहीं आ पाएंगी और इंडिया प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा बॉडी बिल्डिंग की, उस मकाम तक पहुँच नहीं पाएगा फीमेल बॉडी बिल्डिंग में। लेकिन मेरे आने के बाद मैंने देखा है कि परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन आया है और ये महिलाएँ आगे जाकर शायद फिटनेस में और भी नाम कमाएंगी। ये अभी शुरुआत है और हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है जहां 18 साल की लड़की से लेकर 51 साल की महिला हर रंग रूप में और भेष भाषा में आपको मौजूद मिलेंगी, चाहे बैंगलोर की हों, चाहे देवास की हों, चाहे अहमदनगर की हों, चाहे नागपुर की हों, चाहे दिल्ली मुंबई, सभी सभी जगह की हैं। इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं हैं, आप कहाँ से आए हैं और किस जाति के हैं और किस प्रांत के हैं। यहाँ पर सिर्फ ये देखा जा रहा है कि क्या आप में वो बात है, आप में वो जज्बा है पहला कदम लेने का, पहला कदम रखने का। बात है सिर्फ सेहत की। आप तंदुरुस्त हो तो आपका परिवार तंदुरुस्त है, तो आपका देश तंदुरुस्त है। मैम, कल आपका इवेंट है और इसमें पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगह से कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं, 18 से 15 ईयर्स तक के हैं। इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया कैसा रहा, आपने कैसे सिलेक्ट किया ये सारे इतने सारे अच्छे कंटेस्टेंट्स? सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया था वो प्योर फिटनेस लेवल पे था। राउंड्स हमारे हुए बेंच लिफ्ट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, पुशअप्स, प्लैंक, सबने बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया है। पर जब आप फिटनेस को गहराई से देखते हैं तो आप फॉर्मेशंस बहुत मैटर करते हैं, टेक्निक्स बहुत मैटर करती है, जिसमें हमारा साथ दिया सोनाली मैम ने, जो एक एथलीट हैं और एक प्रो हैं, उन्होंने जजमेंट किया है। और जजमेंट तो ठीक है, फिटनेस तो ठीक है, पर हमारे विनर वो सब हैं जो सब आए हैं, जो यहाँ उठ के आए हैं अलग अलग सिटीज़ से, इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, हमारे लिए वो सारे ऑलरेडी जीत चुके हैं। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि एक फ़र्स्ट आता है, एक सेकेंड आता है, एक थर्ड आता है, पर हमारी ये पूरी कोशिश है जो आ रहा है यहाँ से कुछ ना कुछ अपने घर ले जाए। समस्या सबसे बड़ी है जिम्मेदारी,
उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, पहले घर परिवार, फिर बच्चा, फिर सबकी सेहत, फिर उसके बाद उसकी सेहत, जबकि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, अब हमें ये रियलाइज़ करना है कि सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो एक औरत की सेहत है। वो अच्छी है तो उसका घर अच्छा है, उसके मसल्स जितने स्ट्रांग है उतनी उसकी बॉडी स्ट्रांग है। और कोविड के बाद बहुत सारे लोग जागरूक तो हो ही चुके हैं, लेकिन औरतें बहुत ज़्यादा जुम्बा और योगा जैसी सॉफ्ट स्किल चीज़ें करती हैं, वेट ट्रेनिंग बहुत कम करती हैं, जिसको लेकर काफ़ी सारे मिथ हैं, उसी को प्रमोट करने के लिए हमने ये स्टेज बिल्डअप किया है मिस इंडिया फिटनेस। नागपुर के जो वीवीआईपी गेस्ट हैं, बहुत सारे नोन हैं, बहुत सारे नामी हैं, हमने कोशिश किया है वो सारे यहाँ पे आए, उनके थ्रू नागपुर में अच्छा वर्ड स्प्रेड हो। हमारे साथ जैसे मिस्टर एंड मिसेस रोकड़े हमारे स्पॉन्सर्स हैं, वो भी आने वाले हैं, मिसेस वर्तिका पाटिल, मिस्टर मिसेस कुकरेजा आने वाले हैं कल। सो कल हमने बहुत कोशिश की है कि जितने वीवीआईपी गेस्ट हैं हमारी सिटी में, वो सब आएँ, ज्वाइन करें और विटनेस करें जो एक चेंज फोकस कर रहा है नागपुर। सारे इंडिया से जो औरतें नागपुर में आई हैं, ऑरेंज सिटी जैसी थ्री टायर सिटी में आई हैं और नागपुर खींच पाया है उनको, फ्लाइट की टिकट करा के आई हैं, वी फील वेरी प्राउड ऑफ इट। देखिए, आपने बॉडी बिल्डिंग शो देखा है, वहाँ पे बिकनी राउंड होता है कंपलसरी, और आपने ब्यूटी पेजेंट भी देखा है जहाँ पे ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हमारा एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हर उस घर की माँ बेटी आ सकती है जिसको बॉडी शो नहीं करना है। यहाँ पे कोई वल्गर आप पे सीटियाँ नहीं बजेंगी, कोई वल्गर कमेंट्स नहीं होंगे, एक क्लोज ग्रुप कॉम्पिटिशन है, एक डिसेंट कॉम्पिटिशन है, कोई कपड़ों की आपको बंदिश नहीं है कि आपको अपना बॉडी शो करना है। द मेन थिंग आपको करना है वो फिटनेस करना है। तो हर वो वुमेन जिसको मोटिवेशन चाहिए, अपनी बॉडी में चेंज लाने का स्टेज चाहिए, तो ये स्टेज उसके लिए है, इसलिए ये है मिस इंडिया फिटनेस, द फिटनेस पेजेंट। सेंट्रल इंडिया फर्स्ट ओशनिक थीम वाटर पार्क वेलकम्स यू एट लाइट हाउस बाय ऑलिव, वेयर द एमिनिटीज इंक्लूड एडवेंचर, थ्रिल, फन एट वन प्लेस। वी हैव 40 प्लस अट्रैक्शंस, 4 बिग पूल्स एंड 15 प्लस वाटर स्लाइसेस, अम्यूजमेंट पार्क, एग्रो पार्क, कल्चरल पार्क एंड स्पिरिचुअल पार्क, लाइव म्यूजिक, लंदन बस, ट्रेन एंड मेनी मोर। गेट रेडी टू एक्सपीरियंस द फन राइड एट लाइट हाउस बाय ऑलिव, रामधाम मंसर रोड, नागपुर, 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम नागपुर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 0626262633304।